राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सोमवार 20 मई को अहमदाबाद एयरपोर्ट से श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि ये सभी आईएसआईएस के आतंकी हैं। इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया। 21 और 22 मई को अहमदाबाद में आईपीएल के मुकाबले हैं। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि चारों आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन श्रीलंका के रहने वाले हैं। चारों किस मकसद से अहमदाबाद आए थे और किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक चारों आतंकी चेन्नई से अहमदाबाद की फ्लाइट से यहां पहुंचे। हमने चेन्नई से आने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट चेक की और फिर कार्रवाई की। ये चारों आईएसआईएस की विचारधारा को मानते थे और भारत में आतंकी हमला करने आए थे। डीजीपी ने यह भी बताया कि ये लोग 18 और 19 मई को ट्रेन या फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचने वाले थे। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम और स्ट्रेटेजी बनाई। साथ में आने वाली ट्रेनों और फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट चेक की गई। ये चारों चेन्नई से अहमदाबाद इंडिगो की फ्लाइट में एक ही पीएनआर नंबर पर आए। कोलंबो से भी हमने कंफर्म किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।